नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेट बेटिंग के बारे में। दोस्तों कई बार देखा गया कि छोटे जो बच्चे होते हैं वो बिस्तर पे जो अक्सर पेशाब कर जाते हैं, तो ये जब बच्चा छोटा होता है तो ये एक नॉर्मल बात होती है। हर एक आदमी जो है इसको बियर कर लेता है, सहन कर लेता है, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होने लगता है 5 साल या 10 साल, कभी कभी तो बड़े लोगों को भी ये समस्या होती है, यानी वो बिस्तर में पेशाब कर लेते हैं, उनको पता तक नहीं लगता। तो इसका क्या इलाज है, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने कई तरह की दवाइयाँ ले चुके हो और नहीं आराम हो रहा, तो एक ये देसी नुस्खा आप ट्राई करें, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप बेड वेटिंग का शिकार है, यानी कि अपने बिस्तर में जो पेशाब करने की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना चाहिए। तो दोस्तों अगर छोटे बच्चों में समस्याएं हैं तो वो जो है धीरे धीरे छूट जाती है, लेकिन 5 साल 10 साल के बाद भी अगर ये समस्या अगर बनी रहती है तो एक गंभीर समस्या है, इसके बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही सरल घरेलू नुस्खा है जो कि आप आसानी से घर पर कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको अनार का छिलका लेना है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आप घर अनार नॉर्मली खाते हैं उसके छिलकों को उतार लेना है, उसको धूप में अच्छी तरह से सुखा लेना है। जब अच्छी तरह से सूख जाए तो इसको आप किसी ग्राइंडर की सहायता से आप इसे अच्छी तरह से पीस लें और पाउडर बना लें। और इसे अगर बड़े हैं 10 साल से ऊपर हैं तो आप इसे दिन में 3 बार जो है 1-1 चम्मच जो है नॉर्मल पानी से ले, और ये जो नुस्खा है आपको कम से कम 15 से 20 दिन तक कंटिन्यू ले, तो आप देखेंगे कि आपकी जो समस्याएं हैं बिस्तर पे पेशाब करने की वो धीरे धीरे छूट जाएगी। अगर ये समस्या बच्चों को है 5 साल से ऊपर को, तो आप एक सेम यही जो है सिस्टम करना है, लेकिन जो डोजेज है वो कम हो जाएगा। अब आधा चम्मच जो है दिन में 3 बार उन्हें दे सकते हैं, तो उनकी भी जो समस्याएं हैं 15 से 20 दिन में जो है धीरे धीरे छूट जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और किसी भी तरीके की और भी वीडियो चाहते हैं किसी और टॉपिक पे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो अपना वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।